हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टार्ट यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक जैन। आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, मेनली उनके लिए जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है NIACL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। NIACL एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट रिलीज हुई है। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, क्या किस तरह की जॉब होती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, जो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखिए, NIACL AO रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन आउट। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आउट हुआ है? कल शाम को इसका नोटिफिकेशन आया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 300 वैकेंसी इसमें निकाली गई है, जिसमें जनरल की वैकेंसी है 104, SC की 46, ST की 22, OBC की 81, EWS की 30 एंड PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी इनकी 17 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 300। देखिए, वैकेंसी को लेके निराश नहीं होइएगा कि वैकेंसी बहुत कम है, क्योंकि अपन को तो सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए रहती है। ठीक है ना, तो हमें तो यही सोच के करना है प्रिपरेशन के एक जो हमें वैकेंसी जो हमें सीट चाहिए वो हमें चाहिए इसमें से 300 में से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है ना वो बहुत हाई है। आप सैलरी पैकेज एक बार देखिए, इसका सैलरी कितना है, सैलरी देखिए इसकी NIACL AO सैलरी। सैलरी कितनी इसकी? जो बेसिक सैलरी है वही 32,795 है, मतलब लगभग 33,000 आपको बेसिक पे इसमें आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अलाउंसेस इसमें काफी सारे मिलते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसे आपका DA हो गया, HRA हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। सारे अलाउंसेस मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो होगी 60,000 पर मंथ, जो कि 46 ग्रेड पे की जॉब होती है उसकी इतनी सैलरी होती है। एक ऑफिसर की जो SSC में इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उनकी इतनी सैलरी होती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको, तो देख लीजिए आप, इस हिसाब से आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है इसमें। एग्जाम फी क्या रहेगी? एग्जाम फी इसमें रहेगी आपकी 750 रुपीज फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 100 रुपीज फॉर SC ST एंड PW कैटेगरी। और इसमें इंटीमेशन चार्जेस इंक्लूडेड है। पहले जनरली 850 रहता था बैंकिंग का फॉर्म, ABPS PO RRB PO का जो फॉर्म होता है वो 850 का होता है, लेकिन इस बार इन्हें फीस कम कर दिए, 750 कर दिए फॉर जनरल कैंडिडेट। ठीक है, इंटीमेशन चार्ज भी इसमें इंक्लूड है, मतलब आपको इंटीमेट करते हैं मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो वो भी चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं। देखिए, कल इसका नोटिफिकेशन आया 24 अगस्त 2021 को। 1 अगस्त से इसके फॉर्म, 1 सितंबर से इसके फॉर्म भरना चालू होंगे, 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर से, मतलब केवल 20 दिन का समय ही आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डिले नहीं कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा जिसको भी इसके लिए अप्लाई करना है। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अक्टूबर में होने वाला है। इन्होंने डेट नहीं दी है लेकिन बताया है कि अक्टूबर में टेंटेटिव है, मतलब लगभग सेकेंड या थर्ड वीक में उसका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद जो मेन्स एग्जाम है वो है आपका नवंबर में इसका मेंस एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो जो इसके बैंकिंग और इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा गैप नहीं होता है, 20 या 30 दिन का ही आपको गैप मिलता है, तो उतने में आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। आज से आप देख लीजिए, आज 25 अगस्त है, आज से आपको 5 दिन मिलेंगे और साथ ही सेप्टेम्बर पूरा मिलेगा, तो लगभग अभी आपके पास 40 to 45 days है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो आज से ये लग जाइए इसकी प्रिपरेशन के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए इसमें क्या है, आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू, क्योंकि एक ऑफिसर पोस्ट है इसलिए इसमें इंटरव्यू भी दिया गया है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए, प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी तीनों आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 35 रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, मार्क्स भी 30, 35, 35 है। जो इनका सेक्शनल टाइमिंग है वो 20 मिनट्स 20 मिनट्स और 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के स्लॉट होंगे, उसमें आपको ये करना रहेगा। ठीक है, और जो आपका हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का रहेगा, और साथ में इसका नेगेटिव मार्किंग भी है वो है 1/4। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो मेंस में पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी तो आप पहले ही कर सकते हैं। साथ में बस आपको मेंस के लिए मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस पे, जनरल अवेयरनेस आपको प्रिपेयर करना रहता है मेनली, इसलिए ज्यादा गैप नहीं देते हैं वो लोग, 20 से 30 दिन का ही गैप देते हैं बैंक वाले। ठीक है, इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग रहेगी वो 40 मिनट रहेगी रीजनिंग के लिए,
इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट्स और क्वांट के लिए 40 मिनट्स, ठीक है। टोटल 150 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग करना होता है। लेटर राइटिंग के होते हैं 10 मार्क्स, एसे राइटिंग के होते हैं 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 30 मार्क्स, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। तो जो आपका मेन्स एग्जाम होगा पूरा 3 घंटे का होता है, ठीक है। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/9/2021, मतलब जिन जिन की डिग्री, जिन जिन का रिजल्ट 30 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा, केवल वही लोग अप्लाई करें इसमें। जो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो परसुइंग है वो इसके लिए अप्लाई ना करें। अगर उनका लगता है कि उनका रिजल्ट 30 सितंबर से पहले आ सकता है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मार्क्स मांगे गए हैं वो 60% ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, 55% SC/ST के लिए और 60% जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जो एज लिमिट, एज लिमिट इसमें भी दिया हुआ है एज ऑन 1/4/2021, मतलब 1 अप्रैल 2021 से पहले पहले अगर आपकी एज 30 है तो आप एलिजिबल हो। अगर 2 अप्रैल 2021 को आपको बर्थडे पड़ता है या उसके बाद पड़ता है 30th बर्थडे, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा, 21 to 30 years मांगा गया है इसमें एज। और जो एज रिलैक्सेशन जो हर कैटेगरी को मिलता है, जैसा मिलता आ रहा है वैसा ही इसमें मिला हुआ है, SC/ST को 5 years, OBC को 3 years, और बाकी आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो NIACL AO के ऊपर। इसमें कुछ चीजें रह रही हैं जैसे कि सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहती है, ठीक है। ये सब इन सब चीजों का जो एक डिटेल वीडियो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जैसे ही मैं अगला वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें और एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।